नमस्कार, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवण गर्ग जी से और जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में जो एक द्वंद्व मचा हुआ है। द्वंद्व इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि चुनाव के बाद से जिस तरीके से मोहन भागवत लगातार बिना नाम लिए हुए नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले कर रहे हैं, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में बड़े गहरे मतभेद हो गए हैं। और इस बात की पुष्टि उस वक्त होती है जब आरएसएस की 3 दिन की बैठक के बाद उनके प्रवक्ता से सवाल पूछा जाता है कि कैसे और किस तरीके के मतभेद हैं। तब आरएसएस के प्रवक्ता इस बात को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि ये परिवार का मामला है, हम आपस में इसको सुलझा लेंगे। हमारे दर्शकों को अच्छी तरीके से पता है कि पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर ये कहा था कि अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए, भगवान बनाने का काम तो जनता का है। और तब ये बात उठकर सामने आई थी कि दरअसल नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान जिस तरीके से अपने आप को नॉट बायोलॉजिकल और बार बार ये कहा था कि ईश्वर ने किसी विशेष काम के लिए शायद उनको इस धरती पर भेजा है, उस संदर्भ में सवाल ये उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी की जगह किसी नए को आरएसएस कमान देना चाहता है? अगर कोई ऐसा शख्स है तो वो कौन हो सकता है, और क्या बिना नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी उस विजय की ऊंचाई तक पहुंच सकती है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है? इसी करेंगे बातचीत श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना सर आपका? देखिए, एक प्रॉब्लम यह है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मोहन भागवत चाहते क्या हैं जी, और जो कुछ चाहते हैं वो संभव है क्या। मतलब एक तो चाहना है, दूसरा ये कि वो जिस चीज को चाह रहे हैं वो होना संभव है क्या। इसमें से एक सवाल ये निकलता है कि क्या भागवत उसी तरह की गलती करना चाह रहे हैं जैसी कि नरेंद्र मोदी पिछले कई सालों से कर रहे हैं। लोग जानना चाहेंगे कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब मोदी जी क्या गलती कर रहे थे और भागवत क्या गलती करना चाह रहे हैं। गलती यह है आशुतोष जी कि मोदी जी ने अपने आप को भाजपा मान लिया था, या अभी भी आंशिक रूप से वो ये मानते हैं कि वो ही भाजपा हैं जी। मतलब अगर वो भगवान अपने आप को मानते हैं तो भाजपा भी मान सकते हैं, मतलब ये मान के चलना चाहिए। और पिछले लगभग 10 सालों तक, चुनावों तक, उन्होंने पार्टी पर एक छत्र राज किया, मतलब पूरी तरह जिसको कहते हैं कि डिसाइसिवली यूनिलेटरली एक तरफा राज किया, और उन्होंने न तो संघ को कुछ समझा और न पार्टी के सीनियर लीडर्स को कभी कुछ समझा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा इंप्रेशन है, मतलब ये कोई मेरी धारणा नहीं है, ऐसी आम धारणा है। और उन्होंने मार्गदर्शक मंडल का जो उपयोग है वो साइबेरिया की तरह किया, मतलब ये कि आपको रवाना कर देंगे, अगर आपको पसंद नहीं करते हैं तो आपको रवाना कर दिया जाएगा साइबेरिया में। किसी भी महत्वपूर्ण फैसले में जो कहा जाता है कि चाहे नोटबंदी हो या लॉकडाउन हो या इतने बड़े बड़े फैसले हुए देश के भविष्य से जुड़े हुए, उसमें जो एक चीज प्रकट हुई वो ये हुई कि उन्होंने किसी की सलाह नहीं दी, और जनता को भी, जो जनता के साथ भी जो उनका कम्युनिकेशन हुआ वो राष्ट्र के नाम संदेशों के जरिए हुआ, उसके अलावा कोई कम्युनिकेशन नहीं। और आपने देखा होगा कि आप लोगों को या हम सबको याद करना पड़ेगा कि उनका
राष्ट्र के नाम आखिरी बार संदेश का प्रसारित हुआ था। और क्या था उस संदेश में, किस कंटेंट को लेकर हुआ था, और अब क्या कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं आई हैं कि जिसमें उनको राष्ट्र के साथ बातचीत करनी पड़े। हुआ ये कि केवल एक चुनाव हुआ और 4 जून के नतीजों ने सब कुछ, जिसको कहते हैं ना, स्थिर कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, रोक दिया, पूरी गाड़ी को बीच मार्ग पर खड़ा कर दिया, मतलब दो स्टेशनों के बीच। और 2047 तक की तमाम जो योजनाएं थी वो काल पात्र में समा गई, मतलब वो ऐसा लगा कि अब वो कभी कहा ही नहीं गया था कि 2047 होगा। मोहन भागवत की चूंकि चर्चा कर रहे हैं तो वो 4 जून के नतीजों के बाद 10 जून को उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया में बिना कोई नाम लिए एक बात कही थी। वो बात ये थी कि जनता के सच्चे सेवक को अहंकार नहीं होता है और दूसरों को चोट पहुंचाए बिना काम करता है। अब इस छोटी सी बात में बहुत बड़ी बड़ी बातें भागवत साहब ने कह दिया कि जनता का सेवक कौन होता है, क्या करता है। उन्होंने आगे कहा कि वह यह अहंकार नहीं करता कि मैंने ऐसा किया, सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति को सेवक कहलाने का अधिकार है। भागवत ने कहा था कि जो दावा नहीं करता कि मैंने किया, जिसको अंग्रेजी में चेस्ट थम्पिंग कहते हैं। अब दर्शकों को ये साफ करने की जरूरत नहीं कि भागवत ने अपनी टिप्पणी में किसको निशाने पर लिया होगा, क्योंकि भागवत जी की जो एक विशेषता हम देख रहे हैं या राजनीति की विशेषता देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी सूत्रों में वाक्य करते हैं, वो शहजादा, मटन, मछली, मुजरा, और भागवत साहब भी सूत्रों में बात करते हैं, एक पेज, मतलब कुछ मामलों में दोनों एक पेज पर है। हम जो सवाल को खड़ा करना चाहते हैं वो ये कि भागवत जी जिस तरह से मोदी जी का बिना नाम लिए प्रधानमंत्री पर आक्रमण कर रहे हैं, उसे भी क्या संघ प्रमुख का अहंकार माना जाए कि नहीं। मैंने जो जिक्र किया कि मोदी जी पर उन्होंने जो बिना नाम लिए 10 जून को कहा था अहंकार का, तो अब हम ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि जो संघ प्रमुख कर रहे हैं उसको हम अहंकार माने कि नहीं माने संघ प्रमुख का। दूसरा, हम एक चीज नोट कर रहे हैं, देश भी नोट कर रहा है कि भागवत जी के कहे पर प्रधानमंत्री ने या उनके किसी भी सीनियर सहयोगी ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया है। अब इसको आप दो तरीके से मान सकते हैं कि क्या यह समझा जाए कि मोदी जी डर गए हैं, और या ये माने कि वो प्रधानमंत्री की विनम्रता है कि वो मतलब कॉन्फ्रंटेशन में नहीं पड़ रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं जो इन्होंने कहा। दो बातों का परीक्षण होना और बाकी है आशुतोष जी, और जी वो मैं आता हूं उस पर, और उसको कैसे किया जा सकता है उसके तरीके इजाद करना पड़ेंगे। मतलब मैं थोड़ा सा एक सलाह दे सकता हूँ, मतलब विचार रख सकता हूँ, सलाह भी नहीं है, विचार रख सकता हूँ। पहला तो ये कि भागवत जी के कहे का जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में,
उसका भाजपा के नेता और कार्यकर्ता समर्थन करते हैं कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? दूसरा ये कि कितने प्रतिशत कार्यकर्ता भागवत जी के ये जो परोक्ष हमलों से सहमत हैं, या संघ के प्रचार प्रमुख के अंबेकर जी के इस कथन को उचित मानते हैं कि नड्डा जी ने जब कहा पांचवें चरण के मतदान के बीच कि भाई हमको भाजपा सक्षम हो गई है, संघ की जरूरत नहीं है, तो संघ ने अपने हाथ खींच लिए या संघ का उत्साह खत्म हो गया, ऐसा आरएसएस के प्रचार प्रमुख ने कहा केरल में, जो अंग्रेजी में रिपोर्ट हुआ है, लेक ऑफ एंथुजियाज्म ऑफ द आरएसएस कैडर ड्यूरिंग द लोकसभा पोल्स फॉलोइंग नड्डाज स्टेटमेंट दैट द पार्टी बीइंग सेल्फ सफिशिएंट। इसको कितना उचित मानेंगे कि मरीज एक नर्स से नाराज हो गया तो डॉक्टर ने इलाज ही बंद कर दिया। जी हाँ? जी या अगर ये तो बड़ा एक कि भाई आपकी ऐसी की तैसी, जाओ अब आप कर लो आपको जो करना। एक आखिरी सवाल है आशुतोष जी कि क्या भाजपा के जो करोड़ों सदस्यों में आपके तो इतने मित्र हैं जो वो सैंपल लेते रहते हैं, क्या वो एक सैंपल ले सकते हैं कि कोई विश्वसनीय, क्रेडिबल कह रहा हूं, साइज सैंपल ओपिनियन पोल करवा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2029 का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए? और यह भी कि पार्टी में मोदी के स्थान पर कौन सा नेता हो सकता है जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है? ये जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि भागवत साहब को ये बताना जरूरी है, या मतलब भागवत साहब कोई नहीं, देश को भी ये समझ में आना चाहिए कि भागवत साहब जो कह रहे हैं वो उसको, और ये जो सैंपल है ओपिनियन पोल, ये संघ में भी करवा सकते हैं, संघ के वर्कर्स का भी करवा सकते हैं, या तो ज्वाइंट करवा सकते हैं संघ बीजेपी का, या अलग अलग करवा सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भागवत जी इस सच्चाई से पूरी तरह परिचित होंगे कि गुजरात 2014 में गुजरात छोड़ देने के बाद भी मोदी जी ने दिल्ली में बैठे बैठे अपनी पार्टी में, मतलब गुजरात में कोई स्वतंत्र नेतृत्व नहीं पैदा होने दिया, मतलब वो खड़ाऊ राज्य गुजरात में अभी तक चला रहे, और पहले अपने 10 सालों में के दौरान दिल्ली में भी उन्होंने अपने तमाम प्रतिस्पर्धियों को बाहर कर दिया दौड़ से, या उन्हें लंगड़ा करके छोड़ दिया कि भैया आप लंगड़ा के चलो। और मोदी जी जब ये सब कर रहे थे तब भागवत साहब चुपचाप बैठे किसी 4 जून की प्रतीक्षा कर रहे थे, मतलब किसी 4 जून की, नॉट द 4th June ऑफ 2024 विच केम हैंडी। तो क्या भागवत साहब हकीकत में मोदी जी को उस तरह से हटा पाएंगे या नहीं हटा पाएंगे? नहीं हटा पाएंगे, जिस तरह से गांधी परिवार नरसिंह राव को 91 से 96 के बीच भी नहीं हटा पाया था, और 96 के चुनाव भी नरसिंह राव के नेतृत्व में लड़ना पड़े थे कांग्रेस को, और पार्टी की हार हुई थी। अगर आप, आपका लीडर, आप उसको इंडिस्पेंसेबल बनने देते हैं और फिर आप कहते हैं कि जिसको भेड़िया आया भेड़िया आया, तो वो लोग समझना चाहते हैं कि ये जो चल रहा है वो क्या चल रहा है।
दूसरा ये कि भागवत जी जो कर रहे हैं उससे संदेश उन्हीं के खिलाफ तो नहीं जा रहा है, वो इसलिए कह रहा हूं मैं कि वो सिर्फ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब भागवत साहब बोलते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी मैदान को ज्यादा कैप्चर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या भागवत साहब ये कर रहे हैं कि मोदी जी अपनी तरफ से कुछ करें, वो इतना बोल दिया है उन्होंने तो मोदी जी में इतनी ह्यूमिलिटी हो जाएगी, या तो ह्यूमिलिटी हो जाएगी या ह्यूमिलिएटेड फील करेंगे कि वो अपनी तरफ से कुछ करेंगे। मोदी जी कुछ नहीं करने वाले हैं, भागवत साहब को ये समझ में आना चाहिए। मोदी जी सिर्फ क्या करेंगे कि वो भागवत साहब की किसी अगले हमले की प्रतीक्षा भर करेंगे। तो इसलिए ये जो पूरा विवाद चल रहा है भागवत साहब के कहने पर, क्योंकि हमको पता है कि भागवत जी और अगली बार अभी कुछ थोड़े दिनों में फिर कुछ कहेंगे और फिर उस पर एक डिबेट होगी कि अब भागवत जी ने ये कहा। तो मैंने एक पॉइंट जो रखा वो इम्पोर्टेंट ये है कि आशुतोष जी अपने किन्हीं मित्रों की मदद से कुछ ओपिनियन पोल करवा दें, तो बीजेपी में 18-20 करोड़ अब नई मेंबरशिप भी हो गई है और जो फोटो छपे हैं अभी उसमें तो आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को भी फिर से मेंबर बनाया गया है, मतलब जो फाउंडर्स हैं उनको भी मेंबर बनाया गया है। नड्डा जी के साथ फोटो छपे हैं उनके कि उनको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि आप भी मेंबर हैं। तो एक बनाना बताना चाहिए, एक ओपिनियन पोल ये आना चाहिए और उसमें यही सिद्ध होगा कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की जगह नेतृत्व करने के लिए मोदी जी ने कोई भी आदमी नहीं छोड़ा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के 2029 का चुनाव हारने तक नरेंद्र मोदी पीवी नरसिंह राव की तरह भारतीय जनता पार्टी के की कमान में बने रहेंगे। अगर उसको रिवर्स करना चाहते हैं भागवत तो उनको कुछ अपनी तरफ से करना पड़ेगा और मुझे शक है कि वो ऐसा कुछ करेंगे। तो बस आज की चर्चा आशुतोष जी हम इसी नोट पर खत्म करते हैं। जी बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।